देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। 10/9/2022 की सुबह 9 बजे समाजवादी आंदोलन पार्टी कार्यालय दौलतपुर बिल्लोच नूरपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का 57 शहादत दिवस मनाया और उनको खिराज अकीदत पेश की, उनकी दुआएं मगफिरत की। और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर नवी इदरीशी ने अपने बयान में बताया कि 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 टैंक नष्ट कर दिए थे और अपने आप को शहीद कर भारत को विजय दिलाने का काम किया था। पूर्वांचल के जिला गाजीपुर में जन्मे वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को पूरा देश सलाम करता है। अमर शहीदों को याद करते रहेंगे। उपस्थित गढ़ अकबर नबी इदरीशी राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह दिवाकर नगीना लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद रफी मिकरानी प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर वसीम सिद्दीकी युवा प्रदेश अध्यक्ष हाजी शहाबुद्दीन इदरीशी तंजीम अंसारी मैनेजर साहब वाहिद खान महबूब कुरैशी मुस्तफ़ा इदरीशी युवा नेता रियासत अली कारी रिजवान आफाक शफीक अलवी सलीम इदरीशी नसीम मंसूरी नूर आलम समीम अहमद शेख मोहम्मद काशिम अलवी अदनान मलिक मोहम्मद आरिफ बुंदू सिद्दीकी नईम जिशान खां महबूब खां इस्लाम खां दानिश इदरीशी आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अकबर नबी इदरीशी, समाजवादी आंदोलन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का प्रोग्राम क्या? आज हमने परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का 57वां शहीद शहादत दिवस मनाया। जिला गाजीपुर के जन्मे वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में 7 टैंकों पाकिस्तान के नष्ट कर हिंदुस्तान को विजय दिलाने का काम किया और अपने आप को अमर शहीद कहलाने का दर्जा हासिल किया। उनकी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। हमारी समाजवादी आंदोलन पार्टी पूरे भारत में पूरे प्रदेश में आज उनका शहीद दिवस मना रही है और पूरा भारत देश अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मना रहा है। जय संविधान, जय हिंदुस्तान।